हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ विवेक अरोड़ा, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। मैं 2012 से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ और आज मुझे 6 साल हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते। मैंने अपना करियर 2012 में शुरू किया था रियल कंसर्न इंस्टीट्यूट पे। आज मैं जो भी हूँ उस चीज़ के लिए मैं अपने गुरुजी श्री संदीप सर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज मेरे को जो बनाया है वो सिर्फ उन्होंने ही बनाया है। क्योंकि एक टीचर के ना, टीचर बनने के लिए आपको बहुत इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, तो मुझे जितनी भी डिफिकल्टीज थी उन्होंने बहुत साथ दिया। ठीक है, और हम बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस कोई हवा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस को अगर आप लर्न करने करें तो उसको लिए एक स्टोरी की तरह। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस थ्योरी सब्जेक्ट है, रट्टे मार लें, उसको लिख लें, याद कर लें। नहीं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इंडियन के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में उसको जानने को मिलता है। सी, अगर हम देखें ना अपने आसपास, तो हम लोग घिरे हुए हैं पॉलिटिकल साइंस से। एक टीचर जो होता है पॉलिटिकल साइंस का, और एक डॉक्टर हो, एक साइंटिस्ट हो, एक इंजीनियर हो, जो भी हो, इस कंट्री में या किसी भी वर्ल्ड के स्टेट में अगर रहते हैं, तो उनको पॉलिटिक्स के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हमारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये सब जानने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होती। जैसा कि आप देखते हैं कि आफ्टर लाइक बी ए, बी कॉम, बी एस सी, हर कोई अप्लाई करता है आपका इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। आज की डेट में पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जो है बहुत हाइट्स टच कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए आपको एक मैथड अपनाना है। वो मैथड्स, जैसे आप मेरी वीडियोज देखते हैं उसमें आपको मिलेगा मैथड, कि इसको लें एक स्टोरी की तरह। लर्न कीजिए, अच्छी बात है, बट एक स्टोरी की तरह अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और बाकी अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, तो 2012 में मैंने अपनी 12th की थी, 15 में मैंने अपनी बीए ग्रेजुएट हूं मैं ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एएसजी कॉलेज से, एंड 2017 में मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की थी इग्नू से। ठीक है, और अब मैं आगे सोच रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ। साथ ही साथ जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, इस जिसको आगे मुझे प्रमोट भी करना है, प्लस पॉलिटिकल साइंस को जो लोग जिससे डरते हैं लोग, इसको मुझे बहुत ईजी करना है। और टारगेट मेरा यही है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन सबको इस तरह पढ़ाना है कि हर स्टूडेंट जो आर्ट्स का है उसके 90+ आए ही आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने वीडियो देखी मेरी, आगे इसी तरह से आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।